आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जो फरीदाबाद का जिक्र हो रहा था, बिपुल गोयल आगे चल रहे हैं। प्रथला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी हैं टेकचंद शर्मा, पहले राउंड के बाद 1838 वोटों से आगे चल रहे हैं। बड़खल विधानसभा के पहले राउंड में बीजेपी उम्मीदवार धनेश अदलखा 2503 वोटों से आगे चल रहे। इस तरीके से जो पल पल की अपडेट है वो आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर की तस्वीरें भी देखिए, बम पटाखे फूटना शुरू हो चुके, ढोल नगाड़े बजना शुरू हो चुके हैं। और सीधे एक बार फिर से हम रुख करेंगे फिरोज जी का, कांग्रेस प्रवक्ता है आप फिरोज जी, जिक्र वही अनिल जी के पास पहले रुख करते हैं। अनिल जी, क्या तस्वीरें वहां पर, जैसा कि आशीष भी पूछ रहे थे कि काउंटिंग को लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके के इंतजाम हैं, क्योंकि सभी जो पार्टियां हैं उनके जो एजेंट्स हैं वो भी मौके पर पहुंच जाते हैं, तो क्या इंतजाम हैं वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता देता हूं, फरीदाबाद के अंदर जो है वो 6 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तमाम विधानसभा की बात कर जाए तो अलग अलग तरीके से जो है वो वहां पे काउंटिंग ईवीएम मशीनें जो है वो खोली जा रही हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के पूरे चाक चौबंद जो इंतजाम जिला प्रशासन की तरफ से जो है वो आपको दिखाई देंगे, और 3 लेयर की सुरक्षा के तहत जो है वो इस काउंटिंग को किया जा रहा है। हालांकि किसी को भी अंदर जो है वो मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, और जो तमाम पाबंदियां कह सकते हैं चुनाव आयोग की तरफ से जो दी गई हैं वो तमाम पाबंदियों की पालना करके ही कोई अंदर जा सकता है। मेटल डिटेक्टर के तहत जो है वो अंदर आता है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, मैं दिखा भी रहा था, देखिए सामने गेट है वहां पे, जहां पे सुरक्षा के व्यवस्था के सबसे पहला घेरा जो है वो आपको पार करना पड़ेगा, और मेटल डिटेक्टर से होते हुए जो है वो बिल्कुल यहाँ पे जो काउंटिंग सेंटर जो है वो सामने काउंटिंग सेंटर बनाया गया है इस रूम के अंदर, और उसके पश्चात जो है वो वहीं पे ही बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। फिरोज जी का हम रुख करेंगे एक बार फिर से। फिरोज जी, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो हुड्डा साहब हैं उन्होंने दिल्ली की दौड़ शुरू की, कुमारी शैलजा पहुंच गए राजस्थान के सालासर धाम, वहां पर उन्होंने आशीर्वाद लेना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला पहुंच जाते हैं केदारनाथ धाम आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत जल्दबाजी नहीं हो गई है, क्योंकि एग्जिट पोल के रुझान के बाद सीधे ये तस्वीरें सामने आई थी, और अब देखा जा रहा है कि कांग्रेस 38 सीटों पर रुझानों में आगे, जबकि बीजेपी 45 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए इसी चैनल पे बैठे बैठे मैं 56 सीट पे कांग्रेस को देख रहा था, और अभी आधा घंटे में ये स्थिति हुई है, आधा घंटे में फिर बदल जाएगी। और आपके जो अभी रिपोर्टर वहाँ से बता रहे थे, तो कहीं भी बहुत लंबा मार्जिन नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो, तो अभी आप इंतज़ार करिए, सरकार तो हम ही बनाने जा रहे हैं हरियाणा में, वहाँ तो हमारी जम्मू एंड कश्मीर में तो बनी गई है गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ और हम जो अभी एक बीच का एक अप्स डाउन आया है, तो वो अप्स डाउन थोड़ी देर का है, थोड़ी देर बाद आप देखिएगा 12 बजे के बाद वहाँ कांग्रेस ही जो है सरकार बनाने जा रही है। और मैंने फिर कहा आपको कि हम 55 प्लस करेंगे, बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा मीम्स चलाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक बताया नहीं कि ईवीएम की तारीफ करनी है या ईवीएम को कोसना है, इस पर लौटेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि रुझानों में सबसे बड़ा उलटफेर हरियाणा में अब नजर आ रहा है, और यह उलटफेर हो गया है हरियाणा में, अब बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है रुझानों में, बीजेपी अब बहुमत की ओर बढ़ती, क्या बहुमत का भी जो आंकड़ा है वो क्रॉस कर लिया हरियाणा में। रुझानों की बात करें तो रुझान, जैसा कि फिरोजी भी कह रहे हैं कि अभी रुझानों का की बात है, कुछ देर कोई आगे तो कुछ देर कोई पीछे, लेकिन जो असल परिणाम होंगे, जो एग्जैक्ट नतीजे होंगे, वो नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। जबकि प्रेम व्यास जी के बीजेपी के प्रवक्ता का ये कहना है कि अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है, हालांकि इस विषय पर भी बातचीत होगी। रुझानों का भी बहुत बड़ा असर होता है कार्यकर्ताओं के उत्साह और कार्यकर्ताओं के जश्न की जो तस्वीरें आ रही हैं वो रुझानों के आधार पर ही आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि रुझानों से प्रभाव तो बहुत पड़ता है, हार्ट बीट कुछ तेज होती है, कुछ सामान्य होती है, रुझानों के साथ जो ये रुझान है वो कुछ इसी तरह के इशारे कर रहे हैं कि अभी हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है, जबकि अभी जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है, रुझानों में शुरू से ही यहां पर बढ़त बनी हुई है कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के लिए। बिल्कुल, और लगातार चर्चाएं भी हमारी जारी रहेंगी, लेकिन यहां पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा। और आप ये देखिए कि हरियाणा के जो रुझान है कांटे की टक्कर जरूर देखी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हम जम्मू कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं, यहां पर जो इंडिया गठबंधन है वो बढ़त बनाए हुए 49 सीटों के साथ, बीजेपी 24 और पीडीपी 4, अदर्स 13, लगातार जिक्र भी हो रहा है सीटों को लेकर। लेकिन हमें एक तस्वीर देखिए यहाँ पर आशीष की, बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं, वहां पर कोई ढोल नगाड़े नहीं, बीजेपी दफ्तर के बाहर की जश्न की कोई तस्वीरें नहीं, जबकि दावे तमाम मंचों से किए जा रहे हैं कि बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में लौट रही हरियाणा। बिल्कुल अरिनु, चूंकि ये वही रुझानों की बात, हालांकि जब जिसके पक्ष में रुझान होते हैं वो राजनीतिक दल के प्रवक्ता कहते हैं कि
ये रुझान ही परिणाम है, और जिनके विरोध में या जिनके आंकड़े उनके मुताबिक नहीं जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि कुछ और इंतजार करना होगा। ईवीएम के बारे में हम बात कर रहे थे, फिरोजी से इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। फिरोजी, ईवीएम के बारे में अभी क्या कहेंगे आप? अभी तो रुझान आपके पक्ष में है, इंडिया गठबंधन बढ़त में है, हरियाणा में हालांकि वो आंकड़े ठीक है बदल रहे हैं, शुरुआत में आप लोगों को बढ़त मिली थी। ईवीएम पूरी दुनिया में कहीं भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता, और जो पूरी डिजिटल कंट्रीज हैं, 100% डिजिटल कंट्रीज हैं, वो भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती। और जितनी भी ईवीएम है, ईवीएम को लेकर हमेशा संशय बना रहा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी बना रहेगा। कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ये वैलेट से ही चुनाव होना चाहिए, पोस्टल, ये जो हमारा पेपर वैलेट है, पेपर वैलेट से ही चुनाव होना चाहिए। सारी दुनिया में पेपर वैलेट से ही चुनाव हो रहे हैं और वो चुनाव जो है कारगर रहते हैं, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, जिन जहां से हम चिप बुलाते हैं, वो चिपों वो देश भी जो है ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसमें बहस का मुद्दा नहीं होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी के देश के कोई भी दल ईवीएम के साथ चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। और 2010 में तो भारतीय जनता पार्टी खुद भी पहुंच गई थी सुप्रीम कोर्ट की ईवीएम जो है। देखिए साहब, आप सही ये जो बात कह रहे हैं ये ठीक है, बातचीत करने के लिए अच्छी हो सकती है, क्या प्रैक्टिकली ये संभव है? आपको पता है भारत की आबादी इतनी है कि अगर आप बैलेट से अगर उसे आप पर्चियों पर वोट डलवाएंगे तो फिर इसमें काउंटिंग में जो आज कुछ घंटों में हो जाया करती है, मुझे लगता है कि ये काउंटिंग कई दिनों तक चलेगी। क्या कहेंगे प्रेम जी? एक दौर था जब राजीव जी उसका समर्थन कर रहे थे, निश्चित रूप से एक अंतराल में हम कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन चाह रहे थे। और आप देखिएगा कि आज ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में होता है। मैं एक बार फिरोज भाई चेक कर ले कितने सारे डेवलपमेंट कंट्रीज में आज भी हो रहा है, और उनके और हमारे यहाँ पे फर्क ये है कि वहां पर इंटरनेट यूज हो रहा है, हमारे यहाँ इंटरनेट यूज नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्पष्ट दिशा निर्देशन दिए थे, किसी भी स्थिति में भारत का ईवीएम हैक नहीं हो सकता, और दिल्ली कोर्ट ने उसके लिए बकायदा अवगत भी करा था। तो मुझे लगता है कि जो ईवीएम का जिन्न है वो जब आपके अनुकूल परिणाम आते हैं तब वो जिन्न बाहर नहीं आता, विपरीत परिणाम आते हैं तो उस जिन्न को जो है आप घिस घिस के बाहर ले आते हैं। ये दोनों बातों में फर्क है। दूसरी चीज है कि अभी जम्मू कश्मीर में आप गठबंधन के साथ में है, तब जाके आप 50 तक है। कांग्रेस सिर्फ अपने दम पर किस राज्य में कितनी सीटें लाए, पूरे भारत में अगर इसका आकलन होगा तो निश्चित रूप से एक बहुत अलग तस्वीर सामने आएगी। हरियाणा को लेकर पर्ची और खर्ची की राजनीति थी, पुनः जनता ने उसको नकार दिया है। हम पूर्व से आशान्वित थे, चाहे बीपीएल कार्ड हो, चाहे अंत्योदय सम्मेलन के माध्यम से जो है नौकरी बढ़ाने की बात हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की बात हो, हमने कहा था विकास के सहारे या इंटर इनकम रेशियो के सहारे। बिल्कुल, और साथ ही ये भी देखा गया था, हम रुक करेंगे एक बार फिर से यहाँ पर आलोक जी का। आलोक जी, हमने सुना है यहाँ पर जमीनी हकीकत जो देखी है और जो लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जाट समुदाय भले बीजेपी का विरोध कर रहा है लेकिन एक बहुत बड़ा दल एक ऐसा भी है जो कि जाट से ही परेशान है। उनका ये कहना है कि जाटों का इतना ज्यादा दबदबा है हरियाणा में कि कोई भी अगर नौकरी के लिए अप्लाई किया जाता तो वहां पर जाटों की इतनी ज्यादा धमक होती है कि वहां पर किसी और समुदाय का या किसी और समाज का पहुंच पाना भी कई बार मुश्किल होता है, और एक बहुत बड़ा एक समाज ऐसा भी है कि इन्हीं का विरोध करता है, तो क्या उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? जैसे वहां पर जो देखा जा रहा है कि बहुत बड़ा वोट बैंक यादवों का भी है हरियाणा में, तो वो भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते क्योंकि वो जाटों से ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं कई दफा। देखिए, ये बात तो आपका कहना सही है और काफी हद तक ये लगता है, अब जो रिजल्ट आ रहा है उससे ये प्रतीत होता है कि दूसरे जाति के लोगों ने जाट समुदाय के खिलाफ से एकता दिखाए हुए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और काफी जोर शोर से उन्होंने इस बात का प्रचार प्रसार भी किया, अपनी दबंगई भी दिखाई। लेकिन इसके विपरीत में और जो आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ देखना कि जो बीजेपी के द्वारा एक स्कैम रहित सरकार 10 वर्ष पर किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हरियाणा के चुनाव को प्रभावित करने के लिए। और दूसरा, कितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वो कब
जी बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको। कुछ तस्वीरें आप देखिए, ये ताज़ा तरीन तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए, हालांकि काफ़ी हलचल है, बहुत ज़्यादा रश भी देखने को मिल रहा है। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उनका आना जाना भी शुरू हो चुका है। काउंटिंग सेंटर्स पर भी निगरानी बनी हुई है तमाम लीडर्स की, खासतौर पर कांग्रेस के लीडर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो कांग्रेस के एजेंट्स हैं वो ज़्यादा काउंटिंग सेंटर्स से बाहर नज़र आ रहे हैं। और ये देखेंगे आप कि हलचल इतनी ज़्यादा है, बात कर पाना भी थोड़ा सा मुश्किल है जो मीडिया कर्मी मौके पर मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये जो तस्वीरें हैं भूपेंद्र सिंह